दरवाजा खोल दिया, ध्रुव ने चरण स्पर्श किए, मां मुझे अगर तुम धक्का नहीं मारती तो शायद मैं भगवान का भजन करने वन में नहीं जाती। उन्नति का सबसे बड़ा रास्ता है अपमान और निंदा। निंदक नियरे राखिए, पलकन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल देह बनाए। कहाँ जाए? मैया के पास। माँ के पास पहुंचे लोगों, माँ रोते रोते अंधी हो गई। ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी भगवान को पाने की, ये पूजा थी उस माँ की। याद रखना लोगों, माँ से बढ़कर के पुत्र के लिए संसार में कुछ नहीं है। माता निर्माता भवत, माँ बच्चे की निर्माण करता होती है, माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। पिता पुत्र के साथ में हर वक्त नहीं रह सकता। पिता अपने लड़के के साथ में, अपनी संतान के साथ हर समय नहीं रह सकता, लेकिन माँ हर समय रहती है। मैया चाहे तो लला को सिंहासन पे बैठा दे और मैया चाहे तो लहुआ को गलन में जूतू खाए बेला एक नहरा दे, क्योंकि संस्कार जो माँ देती है लड़का बड़ा होकर के वही करता है। अगर लला काऊ के खेत में तो चार आलू ले आओ और अम्मा ने भी आलू लेके घर में धर ले, कई लोग अचार और ले यो सब्जी बनाई ली एक टाइम, तो समझ ले बा को मन और खुलियो। आलू चुरे, गेहूं चुरे, रुपया चुरे, साइकिल मोटरसाइकिल सीधी पेट्रोल पंप लूटे गो, फिर वह रोकन वालों कोई ना है। और अगर अम्मा ने बेचारे आलू छनाए तो गाल में थप्पड़ मार दे तो फिर दोबारा चोरी करना ना जाए, क्यों? अगर जाइए तो मम्मी मारेगी, दोबारा चोरी नहीं करेगा, क्योंकि जो संस्कार माँ देती है लड़का वही करता है। बच्चा एक कच्चे घड़े के समान होता है। कुमार जब घड़ा बनाता है तो बनाते बनाते वो कच्चा घड़ा अगर टेढ़ा हो जाता है तो उसे ठोंक लगा करके सीधा कर देता है। अगर ठोंक न लगाए, सीधा न करे, अग्नि में पका दे और पकने के बाद अगर उसे सीधा करने की कोशिश की तो वो टूट जाएगा। वैसे ही बच्चा होता है, जो संस्कार बच्चे को माँ बचपन से देती है बच्चा फिर बड़ा होकर के वही करता है। और आजकल तो आपने देखे हुए संस्कार, फौजी साहब आजकल देखो, लला जब माँ के उदर में हो तब राम की, कन्हैया की, भोले बाबा की फोटो ना तुम्हें कमर न मिले, बहुत कम, 100 में 98% 100 में 98 केवल 2% भगवान मिले तुम्हें घर कमरन में। देखो तो राम कन्हैया की, भोले बाबा की, विष्णु भगवान के कैलेंडर न मिले, कहूँ हेमा मालिनी लटक रही है, कहूँ आदो घुटन ना पहने गोविंदा लटक रहो, कहूँ अमिताभ बच्चन लटक रहो, कहूँ इतने इतने कपड़ा पहने करिश्मा कपूर लटक रही। अब अच्छा सोचो, अब लला पेट में, अम्मा सोई तब गोविंदा देखो, सवेरे जगी तब गोविंदा देखो, सो जब सोई तब उबाय देखो, जगी तब उबाय देखो, तो गोविंदा पैदा हुई है तो फिर भी गोविंदा तो नहीं है बन पाए, टेढ़ी मांग काट के जूता खाल लाए जरूर बन गए गले नम, गोविंदा नाय बने, मांग टेढ़ी निकारी, पाउडर डारो, सेंट डारो, काम धंधो कचुना गली में बस ताका झांकी चालू, जूता पहन के गोविंदा बने ही ना। और जो बिटिया पैदा भाई सो हेमा मालिनी पैदा भाई। अब जब बताओ गोविंदा हेमा मालिनी देखियो तो औलादी तो वैसी हो ही है। विद्वान कहते हैं माँ के उदर में जब बच्चा हो तो उसे सुंदर सुंदर पुस्तकें पढ़नी चाहिए, सुंदर सुंदर श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए, सोते समय जागते समय भगवान की मूर्ति के दर्शन करने चाहिए, जिससे जो है उसका प्रभाव घर में पलने वाले बच्चे के ऊपर पड़े, जिससे संतान संस्कारी पैदा हो। भौजी साहब, और आजकल के पुत्र, आजकल की संतान माता पिता की पहचान होती है, लड़कों से ही पता चल जाता है इनके माँ बाप कैसे हैं, और माँ बाप से पता चल जाता है इनकी संतान कैसी है। बच्चा अगर संस्कारी है, बड़ों का सम्मान करता है, पढ़ा लिखा है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके माँ बाप भी संस्कारी हैं और पढ़े लिखे हैं। हम
गंगा पार गए भागवत के फौजी साहब, तो बीच गांव में पांडाल लगी और पहुंचे ही नहीं, तो पतरी सी गली पे पैदल पैदल चंदे ने सब लेके, तो बीच गांव में फील्ड पड़ो है तो काफी जगह, सो 18-20 बच्चा खेले वा में छोटे छोटे, तो जैसे ही हम सामने पहुंचे सुबह सब खड़े हुए, तो हमें देख के खेल बंद कर तो खड़े हो के हमें देखने लगे, तो हमने की बोले जो तुम्हें देख ठाड़े भाई, तुम्हें देख के अपनो खेल बंद कर दो तो कम से कम इनसे नमस्ते ही कर ले, हैं बच्चा है, तो हमने दोनों हाथ जोड़े, हमने बच्चा लोगो नमस्ते बोले ही नहीं, बोले ही नहीं, हमने दोबारा फिर कही, हमने बच्चा लोगो नमस्ते, सो एकदम सवरे बोलन लगे खट्टे थिल्ली लिल्ली 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 थिल्ली लिल्ली, हम कहले जे संस्कार है बच्चों को, संस्कार माँ देती है, और हम तो ही सुत चा तो ने धूल मिट्टी नहीं मारी, न गंगा पार बारू बहुत है, संस्कार हमें अकेले बड़ी हंसी याद लगी जब सुत्या आ जाए, मुके बोलो बेव बच्चा है, एक हमारे गांव में और दो बहने ही बहने हैं छोटी बड़ी, दोनों से एक एक लगुआ है, दोनों से बड़ी भाई सीधी छोटी भाई उसे यार है, दोनों से बच्चा है, सब गली में निकल पड़े, तो जो छोटी भाई रहे तो वे पढ़ी लिखी है, तो उनने अपने बच्चा से लला भैया आइए नहीं नमस्ते करो, तो छोटे से बच्चा ने नमस्ते करी, हम समक बच्चा उसे यार है, और जो और आगे बड़े सुबह पसनी बैठी बीच आंगन कहो लगो भैया आइयो ने मट्टी मार मट्टी मार मट्टी मार, अबे काती मट्टी मार, फिर बड़ो हुई हो तो ईट मारे, और बड़ो हुई हो लाठी मारे, और जो पट्ठा बहो 315 को दाएं सीना छाती मारे, मैं फिर कोई रोकन वालो ना दुनिया में, याद रखना लोग, मैं तो सच कहेंगे उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता, माँ से बढ़कर के पुत्र के लिए बंदो कुछ नहीं है संसार में, जो माँ की सेवा नहीं करते वो पुत्र जन्म भर रोते हैं, और भगवान का ऋण चुक सकता है मैया से उऋण न होते हैं, याद रखना लोगों, क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की दुआ भगवान से टाली नहीं जाती, और चार चार बच्चों को मजदूरी करके माँ पाल लेती है, मगर चार चार लड़कों पर मिलकर के एक माँ नहीं पाली जाती, अगर माँ के चार बेटा हैं तो माँ मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाल करके बड़ा कर देगी, और जब चारों के ब्याह हुई है तब तुम देखो हालत मम्मी पापा की, जिनने पाल के बड़ो करो नहीं के लखों ठोर मारो,